ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला नलिन जयपुर का गुलाबी शहर का देश भर में आज सबसे ज्यादा नाम ट्रेंड कर रहा है। तो नलिन खंडेलवाल का कौन है, नलिन खंडेलवाल जानना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं हमारे साथ है नलिन, बहुत बहुत हेलो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय homebasically.com. homebasically.com प्रोवाइड यू होस्टल पीजी एंड फ्लैट ऑन योर कंफर्ट जोन, सो डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम टू सर्च द बेस्ट होस्टल एंड पीजी फॉर यू। कम टू the Home University website and select your hostel MPG right now and do not forget to put our referral code and get the 50% off. Referral code and the website official link are in the description. Check out now. स्वागत है पत्रिका टीवी पर। देश भर के जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके जैसे स्टूडेंट्स, आपके मम्मी पापा के जैसे पेरेंट्स, उनको सबसे पहले आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, इतने सारे विशेज आ रही हैं, थैंक यू। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा जिन लोगों के नंबर एक दो कम हो गए, रैंक एक दो नंबर से जो रैंक पीछे होती है कुछ भी डिसाइड नहीं करती, आप निराश मत होइए। अगर आपका रिजल्ट एक दो नंबर कम आ रहा है, आपके नंबर पाँच छः नंबर कम आ रहे हैं, तो इससे कुछ पता नहीं चलता है कि आप में योग्यता कम है। हो सकता है आप आज फर्स्ट रैंकर होते, मेरी रैंक पीछे होती, ये सब एक दो अंक का खेल है। उसी पल में आपने क्या आंसर किया उसका खेल है, तो निराश मत होइए जिनका रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है। आप कितने खुश हैं ये बताइए? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्ड्स में। बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग द मोमेंट नाउ, बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आपने सोचा था ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन थी, बट टॉप फर्स्ट रैंक आ जाएगी तो कभी नहीं सोचा था। आई वाज एक्सपेक्टिंग टॉप 100 रैंक। आप टॉप 100 में सोच रहे थे, आपने टॉप फर्स्ट आने का तो बिल्कुल नहीं सोचा। कुछ बच्चे होते हैं सोचते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए नींद खराब करते हैं। आपने वैसा नहीं किया था कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे पागलपन मचाना है। घर में पेरेंट्स का भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि फर्स्ट के लिए इतनी फाइट करो, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, बिल्कुल पेरेंट्स का कोई प्रेशर नहीं रहा, हमेशा सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, इंस्टीट्यूट का, फैमिली मेंबर्स का, सबका सपोर्ट रहा। मन अच्छी अच्छी अच्छे रैंक से निकलने का मन में एम था, बट कभी ऐसे नहीं था कि एकदम फर्स्ट ही आना है, बट अपने आप ही रिजल्ट अच्छा आता है फिर। तो आपको किसने बताया आपके रिजल्ट के बारे में? मेरे जो एलन के टीचर्स हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म किया मेरे रिजल्ट के बारे में। ओके, आपने कितने समय तक कोचिंग ली थी? मैंने 11th और 12th एलन से क्लासरूम कोर्स लिया था, 2 साल। आप जयपुर में ही रहे? मैं जयपुर में ही रहा। आप जयपुर में रहे, आपकी बाकी पढ़ाई भी जयपुर में हुई? जी हाँ, कोचिंग मैंने जयपुर से करी और स्कूलिंग मैंने सीकर से करी। आप सीकर, शेखावाटी के सीकर से आते हो? जी हाँ। आपके मम्मी पापा वहीं रहते हैं? जी हाँ। नलिन के मम्मी पापा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन नलिन, उससे पहले ये भी बताओ कितनी पढ़ाई करते थे? मैं कंटिन्यूअस 2 साल 7 to 8 hours रोज पढ़ता था और सेल्फ स्टडी में काफी टाइम डिवोट करता था मैं, और मल्टीपल रीडिंग्स एक ही चीज को बार बार पढ़ने में प्रेफर करता था। एनसीईआरटी पे बहुत फोकस रहा और कोचिंग और स्टडी मटेरियल मिला उस पर फोकस रखा। आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज थे? 12th में मेरे 95.8% थे और 10th में मैंने आईसीएसई बोर्ड से किया था, मैं 92% थे। ओके, तो जो आपकी सेल्फ स्टडी, आपके पेरेंट्स का मोटिवेशन, ये सब जो है, ये तो हर टॉप करने वाले लगभग बच्चे के साथ होता है। और कौन से फैक्टर थे जिन्होंने आपकी हेल्प की फर्स्ट रैंक हासिल करने में? एलन सिस्टम, जो एलन करियर इंस्टीट्यूट सिस्टम है, काफी बड़ा रोल रहा। वहाँ के टीचर सब ने बहुत मोटिवेट किया, कभी मुझे डिप्रेस फील नहीं होने दिया। स्टडी मटेरियल बहुत ही इफेक्टिव है एलन का, वो अच्छी तरह कवर किया, और फैमिली का तो सपोर्ट रहा ही। फैमिली, कितने भाई बहन आप? मेरे एक एल्डर ब्रदर है, वो एमबीबीएस कर रहे हैं अभी जोधपुर से। वो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, उनका कौन सा रैंक था आपको याद है? जी नहीं, रैंक तो मुझे याद नहीं है, बट वो जोधपुर में अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं। ओके, तो आप जयपुर में रह रहे हैं, शेखावाटी में आपके पेरेंट्स रहते हैं, वहां से आज दिन भर कितने सारे फोन आए, कौन सा ऐसा रिएक्शन था जिसने आपको थोड़ा ज्यादा खुश किया कि अच्छा ये भी रिएक्शन हो सकता है? बहुत बहुत सारे फोन कॉल्स आए, मैं एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाया आज, काफी बिजी रहा शेड्यूल आज का मेरा। टीचर्स का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा रहा, सब टीचर्स ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। पेरेंट्स तो बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं, और सबका बहुत अच्छा रहा, सबके रिस्पॉन्स से ही मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज फील कर रहा हूँ। सरप्राइज हैं, लेकिन एक बात आप बताइए, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपसे समझना चाहते हैं, आपने फोन से कितनी दूरी बनाई? मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था, ना मैं कोई सोशल मीडिया साइट पे एक्टिव था,
मेरे पास एक नॉर्मल कीपैड बेस्ड फोन था जिसमें मैं पेरेंट्स को कॉल करता था और फ्रेंड से डाउट डिस्कशन करने के लिए यूज करता था. और मैं सजेस्ट करूंगा कि सब बच्चे स्मार्टफोन सोशल मीडिया से तो दूर ही रहे, ये काफी डिस्टर्ब. तो आप मानते हैं कि सोशल मीडिया स्मार्टफोन हमेशा आपका नुकसान करते हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं है, लेकिन 11th 12th जब आपका एक फोकस है, आप अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो वो आपको डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि स्टूडेंट का मन अभी हम मैच्योर नहीं हुए एकदम अच्छी तरह से, हमें पता नहीं क्या हमारे लिए गलत क्या सही. तो सोशल मीडिया पे कई ऐसी चीजें होती है, इंटरनेट पे काफी चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उसे अवॉइड करना ही बेहतर है. फिर हमारे करियर में तो बाद में बहुत सारे ऑप्शन है, बाद में जो मर्जी जो फोन लीजिए, जहाँ जो करना है वो. तो आज आपको एक चांस मिले कि आज आपने ऑल इंडिया टॉप किया है और आपको करने के लिए छूट मिल रही है कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐसा काम जो अभी तक करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे? सही बताऊं तो अभी मैं काफी दिन से टीवी और इन सबसे दूर था. वर्ल्ड कप देखने का, मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है. हाँ, तो मैं अभी वर्ल्ड कप देखना चाहता हूं. देखेंगे, वर्ल्ड कप देखेंगे. हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन आप दोनों पेरेंट्स, प्राउड पेरेंट्स, बहुत बहुत बधाई हो आप दोनों को. मम्मी निश्चित रूप से माँ से ज्यादा तो खुश कौन होगा इस देश दुनिया में, लेकिन इस खुशी को आप कैसे इजहार करती हैं? एक्चुअली मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, मैं अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. बच्चे ने जो मेहनत करी है, बच्चे ने जो हमें आज प्राउड मोमेंट दिया है, वो सारी बच्चे की मेहनत है, सबकी बड़ों की ब्लेसिंग्स होती हैं.